फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं आज आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके लिए आज क्या ब्लेसिंग्स हैं, देखते हैं। वाह, देखिए पहला ही कार्ड यहाँ पे आया है, बृहस्पति जी, गुरुओं के गुरु आए हैं यहाँ पे। ओके, देवताओं के गुरु स्वयं। तो आपको यहाँ पे आपके गुरुदेव की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और साथ में आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो भी गुरुदेव हैं उनसे कनेक्ट होना है, आपको उनसे प्रार्थना करनी है, उनसे ब्लेसिंग्स लेनी है। ओके, उनका नाम जप अगर आप करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, तो वो भी करिए, लेकिन उनसे जुड़ना है आपको। आपके गुरुदेव आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, आपको उनकी एनर्जी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। साथ में आपको ज्ञान मुद्रा के साथ यहाँ पे मेडिटेशन करने की भी गाइडेंस है, तो वो आप ज़रूर कीजिए। ओके, क्योंकि आपके यहाँ पे थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, आपको उस पर और थोड़ा काम करने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पे आपके गुरुदेव की ब्लेसिंग्स आपको इतनी मिल रही हैं कि मैंने अभी 111 देखा है, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपकी पावर बढ़ रही है, आपकी प्रेस्टीज, आपका नेम फेम बढ़ रहा है आपकी सोसाइटी में। ओके, आप एक ऐसी पावरफुल स्टेज में आने वाले हैं, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, या जहाँ पे भी आप वर्क करते हैं, जो भी आपका वर्क एरिया है वहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट होगा। आप जो वर्क कर रहे हैं, जो हार्डवर्क आप कर रहे हैं ना, जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनका एक्नॉलेजमेंट होगा। और साथ में यहाँ पे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज इंक्रीज़ हो रही है। या तो आप टीचर हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, रीकी मास्टर, ओके, या प्राणिक हीलिंग, या किसी भी तरीके से आप इस तरीके से कोई ना कोई ऐसा काम आप करते हैं या आप करना चाहते हैं। आपको ये आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं कि अगर आप इनमें से कोई चीज़ सीखना चाहते हैं या इवन टैरो रीडिंग भी आप सीखना चाहते हैं तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। एक एटलीस्ट आप एक स्टार्टिंग कर सकते हैं एक छोटे लेवल पर सीखने की, आप वीडियोस देखकर सीख सकते हैं। ओके, अगर आपके पास इस वक्त कोई ऐसी सुविधा नहीं है तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लर्निंग वाले जो वीडियोस रहते हैं वो हैं, उनसे सीख सकते हैं, या आप जो भी सीखना चाहते हैं वो सीखना शुरू कीजिए। ओके, क्योंकि ये आपकी सोल पर्पस से रिलेटेड होगा कुछ ना कुछ ऐसा। नेक्स्ट देखते हैं व्यूअर्स यहाँ पे। वाह, देखिए नेक्स्ट आए हैं श्री हरि विष्णु जी, नेक्स्ट आए हैं श्री हरि विष्णु जी यहाँ पे, मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स। तो स्वयं यूनिवर्स यहाँ पे आ गए हैं आपकी विश को पूरी करने के लिए, और आप अपनी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस यहाँ पे आप अचीव करेंगे। आप अपने हार्डवर्क से कर पा रहे हैं, आप जो हार्डवर्क कर रहे हैं जहाँ पे भी, जो भी मैनिफेस्टेशन है वो ज़रूर पूरी हो रही है। और साथ में आप जो नाम जप कर रहे हैं ना, उससे आपकी लाइफ में आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी पॉजिटिविटी इंक्रीज़ हो रही है, जब आपकी पॉजिटिविटी इंक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ में हर तरह की ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, और साथ में यहाँ पे आपको अपने क्राउन चक्र पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्राउन चक्र से आप डिवाइन की, यूनिवर्स की एनर्जीज आप रिसीव कर रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो यहाँ पे आप अपनी जर्नी के नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट लेवल, आप जर्नी के जिस भी फेज़ में हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी जर्नी के नेक्स्ट फेज़ में जा रहे हैं, और यहाँ पे आपका हर चक्र भी हील हो रहा है। साथ में अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो यहाँ पे आपके पर्सन और आपका दोनों का ही हर चक्र यहाँ पे हील हो रहा है। ओके, आप इस वक्त बहुत अगर हैवीनेस वाली है एनर्जी पिक कर रहे हैं तो ये यही रीज़न है कि आप दोनों का ही यहाँ पे हर चक्र हील हो रहा है और आप एक सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपने यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, या आप जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं तो यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, थोड़ा स्लो है लेकिन यहाँ पे बढ़ रहे हैं, आपके एफर्ट्स यहाँ पे फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आने ही वाले हैं, आपको पेशेंस रखना है। और साथ में यहाँ पे आपको ये भी मैसेज है कि आपकी फैमिली, आपके लव्ड वंस पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं और पूरी तरीके से स्वस्थ रहेंगे, ऐसी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं।
आपके जीवन में आपको हर तरह की खुशियां आपको मिलने वाली हैं, सेलिब्रेशन आएगा, इस तरीके की एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं। ओके, और जो भी आपकी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं वो यहाँ पे आपकी पूरी हो रही हैं, वो भी विश, आपकी सभी विशेज यहाँ पे आपकी पूरी होने वाली हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप ओके। लेकिन ऐसा होता क्या है ना कि हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन यूनिवर्स आपकी वो इच्छाएं ज़रूर पूरी कर रहे हैं जो यूनिवर्स के विश के अलाइनमेंट में है और जो आपके लिए बेस्ट है। ओके, ऐसा यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्यूअर्स, यहाँ पे नेक्स्ट है गायत्री देवी, मदर ऑफ डिवोशन। देखिए, मदर ऑफ डिवोशन का कार्ड आया है, गायत्री माँ का कार्ड आया है। तो यहाँ पे जो भी व्यूअर्स गायत्री माँ का नाम जप कर रहे हैं, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपका मंत्रा जो है एक बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। ओके, और यहाँ पे आप या आप कोई भी और नाम जप भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो नाम जप यहाँ पे आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक पीसफुल स्टेट आपको लेकर आ रहा है। आपकी भक्ति बढ़ रही है, आपका ईश्वर से जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है, और जब ईश्वर से कनेक्शन स्ट्रांग होता है ना, तभी यहाँ पे आपकी लाइफ में मैजिक होना शुरू होता है। ओके, आपकी लाइफ में हर एरिया में अबंडेंस आना शुरू होती है, और वही फेज यहाँ पे आपका शुरू हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे आए हैं, श्री हरि विष्णु आए हैं। ओके, और उसके बाद ब्लेसिंग्स देखते हैं व्यूअर्स, यहाँ पे पीस ऑफ माइंड। देखिए देखिए, अभी कहा ही था कि पीस ऑफ माइंड आपको मिलने वाला है। आपकी जो अभी तक आपका अंतर्मन जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था ना किसी चीज़ को लेकर के, वो डिस्टर्बेंस यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और साथ में आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ रही है। आप हो सकता है यहाँ पे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हो, कुछ इस तरीके की है ना रिलीजियस बुक्स आप पढ़ रहे हो, या आपका इस वक्त उनमें इंटरेस्ट आ रहा हो, उन्हें पढ़ने का, ज्ञान लेने का, अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को, अपने विजडम को बढ़ाने का। तो यहाँ पे वो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी सोल की कॉलिंग है जो आप कर रहे हैं, या आप नहीं कर रहे हैं लेकिन आपका मन कर रहा है कुछ ऐसे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का, तो वो आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वो आपकी सोल की कॉलिंग है। आपकी सोल चाहती है कि आप नॉलेज गेन करें, और आपकी सोल रिकॉग्निशन चाहती है। ओके, आपको नेक्स्ट लेवल पर देखते हुए देखना चाहती है, आपको एक बेस्ट वर्जन बनते हुए देखना चाहती है, और यही वजह है कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए इस वक्त। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ ऐसा कह रही है जो आप अवॉइड कर रहे हैं, तो आपको ये नोटिस करने की ज़रूरत है कि आपको अपनी आपकी इंट्यूशन इस वक्त क्या गाइड करना चाहती है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपके लिए आज आपके स्पिरिट गाइड्स की। ओके सॉरी, ये एक कार्ड और था, देखिए श्री हरि विष्णु जी के साथ लॉर्ड ऑफ द सीज। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप अपने जीवन के जो उतार चढ़ाव थे ना, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, आप क्योंकि आप दिल से बहुत शिद्दत से ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और मुझे ऐसा भी इंट्यूशन आ रहा है कि अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी पर्सन भी ईश्वर से दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं इस कनेक्शन को फिर से एक पॉजिटिव वे में, एक बेस्ट वे में अच्छा बनाने के लिए, फिर से एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, और वो दिन रात इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मुझे फिर से अपने पर्सन से मिला दीजिए। इस तरीके की प्रार्थनाएं आपको आपके पर्सन कर रहे हैं, और दिन देखिए यहाँ पे फॉरगिवनेस भी वो मांग रहे हैं, दिन रात यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें माफ़ी मांग रहे हैं, और वो आपसे भी माफ़ी मांगना चाहते हैं कि जो भी उन्होंने किया वो बहुत गलत किया। वो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ जो बिहेव किया, जिस भी तरीके से उन्होंने आपके साथ आपको ट्रीट किया, ओके, या आपको ग्रांटेड लिया, या आपकी तरफ आपको एक ऑप्शन की तरह रखा उन्होंने, ओके, तो वो अब उस रिग्रेट की एनर्जी में है, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और बहुत जल्दी आपको कुछ ना कुछ ऐसा कम्युनिकेशन भी आपके पर्सन की तरफ से रिसीव होगा। ओके, तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं आज आपके स्पिरिट गाइड्स की, और बहुत पॉजिटिव मैसेज हैं। आई होप आपको अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताएगा कि आपको आपके स्पिरिट गाइड के मैसेजेस कैसे लगे, लेकिन गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिए। ओके, गाइडेंस ज़रूर फॉलो करिए, और रीडिंग तो आप सुनते ही हैं, लेकिन जब तक आप गाइडेंस फॉलो नहीं करेंगे ना, तो व्यूअर्स उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपको फ़ायदा तो तभी होगा, पॉजिटिव रिजल्ट जो आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं वो तभी होगा जब आप गाइडेंस जो दी जाती है स्पिरिट गाइड्स के द्वारा
वो फॉलो करें। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में ऐसी ही प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ आपके स्पिरिट गाइड्स की। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ काली।